या उत्तर प्रदेश में देखो, ऐसा हुकूमत के तरफ से मंत्री, कलेक्टर, एमएलए सब कोई आके आज दावत इफ्तार में शामिल होना, हुकूमत के तरफ से दावत इफ्तार देना, बोले तो अपने इज्जत बढ़ा रहे, अपने रीति रिवाज को समझते हुए सरकार चल रहा है। सीएम केसीआर साहब ने हिंदुओं के लिए टेम्पल बनाए, मुसलमानों के लिए ईदगाह बनाए, क्रिश्चियंस के लिए चर्च बनाए, हर कोई का इज्जत करते केसीआर साहब ने, वो पूजा भी करते, यज्ञ भी करते और मुसलमानों को इज्जत भी देते, क्रिश्चियंस को भी उनका भी इज्जत देते। लेकिन आज देश में क्या हो रहा है आप भी जानना चाहिए। आज देश में कल कर्नाटक में क्या काम चल रहा है आप लोग सुने होंगे, अखबारों में पढ़े होंगे। हम सब होशियार से रहना पड़ता। आज एक गंगा जमुना तहसील आज लोगों के लिए कल्याण लक्ष्मी से गरीब लोगों का शादी कर रहे हैं, मुसलमानों में शादी मुबारक से गरीब बच्चे की शादी को सीएम साहब मदद कर रहे हैं, हिंदू बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए एससी एसटी बीसी रेजिडेंशियल स्कूल खोल के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, जैसे हमारे मुसलमान बच्चे और बच्ची पढ़ने के लिए भी माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल खोल के उठना है तो भी 20 लाख रुपया हुकूमत से लेके सीएम साहब ने अपने माइनॉरिटी बच्चों को भी पढ़ा रहा है, ये आप सब जानते हैं। आज तेलंगाना रियासत में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट चल रहा है। आज सब कोई हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चियन हर कोई मिलजुल के अच्छी तरीके से हम जी रहा है। आज हर एक आदमी के लिए सीएम साहब ने बहुत सारे स्कीम्स भी खोल रहा है। ये साल माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन लोन स्कीम से 250 करोड़ रुपया देते हुए वो आप सब जानते हैं, अभी आगे 250 करोड़ रुपए से माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन स्कीम से नौजवान लोगों के लिए वो पूरे स्कीम्स भी देने वाले हैं। मैं आप सबसे एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, आज बीजेपी से कोई टकरा ले सक रहे हैं सिर्फ केसीआर साहब ले सकते हैं। आज देश में किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, हर कोई के लिए कोई काम कर रहा है तो वो केसीआर साहब ने केसीआर साहब ने एक ही जानते हैं उनको, आप कौन सा रिलीजन है, आपका कौन सा कास्ट है, उनके कभी नहीं पूछते। केसीआर साहब ने हमें एक ही सिखाया, जो गरीब है वही हमारा मेहमान है, गरीब का सेवा करो, उनका कास्ट से आपको जरूरत नहीं, उनका जो भी कास्ट होने दो, जो भी रिलीजन होने दो, लेकिन गरीब है तो उनके लिए घर दीजिए, उनके लिए मकान दीजिए, उनके लिए मदद करो, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए काम करो, यही सीएम साहब ने हमें बताते हैं। आज नारायण खेड़ में भी 2 रेजिडेंशियल स्कूल खोल के बच्चे और बच्चियों पढ़ने के लिए भी सहूलत कर चुके हैं, वो 2 स्कूलों को भी इंटरमीडिएट तक अपग्रेड कर चुके हैं, अभी इंटरमीडिएट तक भी रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे पढ़ सकते हैं। एमएलए साहब ने मुझे बताया यहाँ पर डबल बेडरूम मकानों में भी बहुत सारे गरीब मुसलमानों को भी दे चुके हैं, आगे भी जिसके लिए जमीन है उनको खुद की घर बनाने के लिए भी आगे 1 महीने के अंदर और भी घर नारायण खेड़ में सेंक्शन करेंगे, और नारायण खेड़ में ईदगाह के लिए भी थोड़ा मदद पूछ रहे हैं, शादी खाना के लिए भी और भी थोड़ा मदद पूछ रहे हैं, उसके लिए भी हमारे साथ को मैं बोल चुका हूँ, उसका एस्टिमेट बनाइए, जो भी मदद होगा ईदगाह और शादी करने के लिए भी आगे और भी हम मदद करेंगे, शादी को पकाने के लिए भगवानियाँ और सामान भी जरूरत है, गरीब लोग किराए पे नहीं रह रहा सके वो भी खरीद के लेने के लिए पूछ रहे हैं। मैं सदर साहब को तमाम इमाम मोहसिन साहब से भी बोलना चाहता कि आप जरा वो एस्टिमेट बना के मुझे भेज दीजिए, वो भी जल्द से जल्द शादी खाना में जो सामान चाहिए वो भी खरीद के देंगे, और कब्रिस्तान के लिए भी जो तकलीफ है यही कलेक्टर साहब भी है, वो दैनिक कलेक्टर अपने जिले में डॉक्टर शरद साहब है, सब कुछ जानते हो, इसके पहले 4 साल अपने जिले में काम करे। मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द आप लोग कलेक्टर साहब से मिल लीजिए और कब्रिस्तान का भी जो भी इश्यू है उसका भी हल करा देंगे, और हमारे इमाम मोहसिन साहब लोगों का जो तनख्वाह 4-5 महीने से नहीं आ रहे थे वो भी सीएम साहब ने हमें आदेश दिए 1-2 दिन में पूरे आपके इमाम मोहसिन साहब का तनख्वाह भी रिलीज हो जाएगा।
ऐसा जो भी इश्यू है हम कर लेते हैं। आप जानते हैं नारायण खेत में पानी के लिए कितना करते थे, 3 दिन में 1 दिन कहलाते थे। जब रमजान के महीने में एमएलए साहब से हम क्या पूछते थे, देखो भाई हम सुबह पकाना रहता खाना रहता, जरा करंट मत निकालो, गैस जरा शॉर्टेज नहीं आए जैसा देखो, पानी जरा अच्छा आए जैसा देखो, ऐसा कोई मुद्दा है? कोई बिजली के बारे में बात कर रहा, कोई पीने का पानी के लिए नल के लिए बात कर रहा, कोई ऐसा कुछ तकलीफ है तेलंगाना में? पूरा तकलीफ को हमको सीएम साहब ने हल कर चुके हैं, और भी हम आपका सेवा करेंगे। आप सब भी केसीआर साहब के लिए, अपने राज के लिए, अपने हुकूमत के लिए भी आप सब प्रार्थना करिए, अल्लाह से आप सब दुआ दुआ मांगिए, और केसीआर साहब के लिए भी आप सब दुआ दीजिए, और भी हम आपके लिए सेवा करेंगे। ऐसे ही नारायण खेत को भी और अच्छी तरीके से हम डेवलप करेंगे। आप सबका आशीर्वाद केसीआर साहब को, अपने एमएलए भूपा रेड्डी साहब को भी देने के लिए मैं आप सबसे गुजारिश करते हुए मैं इजाजत देता हूँ।